दलित के भीतर में शंभू सरा के हत्या होई छै त हमनी कहै छी जनकपुर में हत्या होले हमरा ओइसे कोन मतलब है रौतहट में जब हत्या होई छै हमरा कहै छी रौतहट वाला के हत्या होले ओइसे हमरा कोन मतलब है चमार के हत्या होई छै त दोसर जाति कहै छी चमार के हत्या भेले हमरा ओइसे कोन मतलब है पासवान के हत्या होई छै त कहै छी दोसर पासवान के हत्या भेले यादव कहै छी दलित के हत्या भेले त हमरा कोन मतलब है जब यादव के हत्या होत दलित कहती कि हम यादव के हत्या से हमरा कोन मतलब है एहने करते करते आवे वाला समय में जब एक दूसरा के साथ अन्याय अत्याचार के विरोध में हम अहाँ एक जगह खड़ा न होबे तो याद रखू मानव के अस्तित्व बचावे में संकट पड़ जाते न यादव बचते न तेली बचते न चमार बचते न दुसाद बचते कोनो जाति न बचते एवं सिर्फ और सिर्फ हथियारा और कसाई बच जाते और ये देश के पूरा बर्बाद करके रख देते आई के चलते जात पात से ऊपर उठ के आई के चलते धर्म से ऊपर उठ के जब पुलिस कस्टडी में हत्या करी जो डीएसपी एसपी के विरोध में हमारा आगे खड़ा आंदोलन करे के पड़ा और सबसे बड़का भारी बात ही बुझे पड़ते प्रत्येक आदमी अपना छाती पर हाथ के कसम खाओ एसपी के क्या बनावे छै सीडीओ के क्या बनावे छै क्या बनावे छै बड़का बड़का हाकिम के कि जे गरीब के घर में जाके बलात्कार करे वाला के सहयोग करे छै गांव घर में देखियो हमरा आके बहन के साथ में बलात्कार होय छै और ओई गांव के नेता आके कथि कहै छै ए बलात्कार भेल त कथि भेल गांव में घर के फला गरीब है ना करके मिला दै छै गांव में मिला दै छै एहन एहन घटना कला करे छै लागी करे छै कि हम ओकरा वोट दै छै हम बार बार ये बात कर रहल छी हम अहाँ वोट दै छी हत्या हिंसा बलात्कार कौन समाज के साथ में होय छै हत्या हिंसा बलात्कार कमजोर समाज के साथ में होय छै जोन अपना समाज के साथ दलाली करे छै जोन अपना समाज के साथ गदारी करे छै जे महत्वपूर्ण राजा बनावे वाला वोट अपना समाज के छोड़ के दूसरा के दै छै ओहन समाज के साथ हत्या हिंसा बलात्कार होय छै आई कसम खा के जाओ सालेश महाराज के आई कसम खा के जाओ गुरु रविदास जी के कि आवे वाला दिन में दीना भद्री के संतान महाराज सालेश के संतान डॉक्टर अम्बेडकर के संतान कोनो भी हालत में सामंती के आप वोट न देते उस वोट से हम अपना चांदवी के राजा बनाए और बाबा साहब अम्बेडकर के लाल के बिना न केंद्र के सरकार चले के चाहिए न प्रदेश के सरकार चले के चाहिए अगर ये कसम खा लिये तो देखबे आवे वाला पांच साल के बाद में आ के आते हिंसा बलात्कार करे वाला लोग या तो जेल के कोठरी में बंद नजर रहते या तो साधु बन के भीख मांगे के रोड पर नजर रहते आ इतना ख्याल रखू जे हमनी के भाई बहन के हत्या कर रहा है ओकरा बहुत तरीका से हमनी सब ओकरा देख रहल छी ओकर चोरम चोलम ओकर जे हमरा समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होय छै ओहि सब के याद रखल जतै आ सब अपन वोट दे के अपना बेटा के राजा बना के देखू ओहि सब के हिसाब लेल जतै ओहि सब के हिसाब लेल जतै आ से ये कहे के आंदोलन कर ये तो बोलै ले छै अपने सब के हमनी के ई आंदोलन तब तक ले न रुकता है जब तक ले निरंजन राम और विजय राम के हत्या में जो एसपी और डीएसपी संलग्न भेलै ओकरा बर्खास्त करके जब तक ले ओकरा साधारण आदमी के तरह व्यवहार न करते जेल में न कूदते आजीवन कैद न करते तब तक ले ओकरा हम सब के आंदोलन रुके वाला न है आ देखियो बहुत आदमी सब प्रपंच कर रहल है ओकरा बचावे के लेल कहै छी कि बहुत समाज से भी रहल है बहुत अच्छा एटीएसपी रहल है हमरा कोई घटना के बात बतबै छी जब ये हमने सब सुन ली कि ज्ञान कुमार महतो नाम के डीएसपी गरुड़ा में है और वही बा हत्या भे गई एगो चमार जाति के लड़का के तो हमने सब राजा राम पासवान जी सब बहुत एगो आस्था लेके गेल रही वही बा कि वही बा के जो हत्या कर ले ओकरा पकड़ ते कला के खुद कहे कि हम पिछड़ा के बेटा छी और हमने कहले कि वास्तव में अपने पिछड़ा के बेटा छी तो हमरा आस्था है कि हमने के न्याय मिले के चाहिए वो डीएसपी ज्ञान कुमार महतो हमने के सामने में कहलक पांच गोरा के सामने में कि नर्सरी के मालिक के बेटा जे राजा राम कस्टडी में रहे उ सरकार लेले है कोनो साधारण शंका के आधार पर निरंजन राम के हत्या कर गेल है हमनी सबे हत्यारा के पकड़ लेले छी बिहान जाके ओकरा प्रेस कॉन्फ्रेंस क के सबे के बता देबे अपनी सबके चिंता लेबे के जरूरत न है हमनी सब खुद ऐ चीज के सुन ले बड़ा खुशी लागल कि देखियो एगो मधेसी कहे वाला के बेटा एगो पिछड़ा समाज कहे वाला के बेटा डीएसपी है त कते बनिया भेल एगो हत्यारा के तुरंत पकड़ लेल के और बिहान एकरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी करती बड़ा खुशी लागल रहे ओए बस हम सब चली आइली वही रात में जाके कुछ सामंती समाज के लोग जे हत्या करे में साथ देले रहे ओहन समाज के लोग डीएसपी के ऑफिस में जाके 15 लाख 20 लाख के बार्गेनिंग कैलक और वही के बाद में की कैलक बिहान खुनी के बात कही छी एक दिन हमने कहलक कि वो हत्या कैले हम सब यो पूछ रहे हैं कि 19 साल के लड़का है निरंजन राम हो सके छी कोनो लड़की के चक्कर रहल हो तो एक के चलते मार दो ठीक वो डीएसपी साहब कहे वाला कोनो लड़की के चक्कर में है साधारण शंका में ओकर मालिक मरवा देले है
लेकिन ओ डीएसपी बिहान कोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकार सबके बुला के कथि कहै छै कि एगो शेख आजाद नाम के आदमी जे हत्या कैले है ओकरा बहिन के साथ में एकर गलत संबंध रहै ओही के चलते ओ मार देलकै जे कहलकै कि लड़की के कोनो संबंध न है से आदमी नाटक करके ओ कहै छै कि शेख आजाद के बहिन के साथ में एकर गलत संबंध रहै और ओकर 11 साल के बहिन के मतलब आई देश में एसपी डीएसपी और ब्राह्मणवादी के लठाइत के दलित के बेटी बेटी ना मानै छौ सब दलित के भाई दलित ना मानै छै मुसलमान के बेटी ना मानै छै एगो मुसलमान के 11 साल के बेटी के 5 घंटा थून के ओ डीएसपी ज्ञान कुमार महतो ई कहलकै कि तू ई कह कि हमर बलात्कार निरंजन राम के